मैं आपको एक सच बात बोलता हूँ, मैंने डॉक्टरों को कहा मैं किसी इतिहास का आदमी नहीं हूँ, मैं इस तंजीम का आदमी हूँ, मेरा ख्याल रखना। जब मुझे पिता राम ने सामने कहा कि भैया पीडीपी हुकूमत आ गई, तू हमारे साथ हो, तेरा कफन दफन हम करेंगे, मैंने बोला मैंने इस तरह के नए दफन होना है, क्योंकि ये हमारा तंजीमी चंदा था, ये गुलदस्ता था, वो आपको भी मालूम है, मैं इसमें आगे नहीं चलूंगा। जब मैंने सोचा सुना, मैं तो आज जब तक मैं चरियाने बैठा हूँ, शुक्रगुजार हूँ इन भाइयों का और सबका। जब मैंने सुना ये मेरा झंडा, मेरा कथा 370, मेरा नीति ये चल गया आपसे, अब इसको कोई लाने वाला कौन है। मैंने रात को मुझे सपना आया, सोचा मैं क्या उसमें वापस करने वाली एक मेरी बहन शानाज करेगी है, जिसको इंशाल्लाह रहमान रहीम मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे ये ख्याल पड़ा तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, मैं तो बहुत परेशान था। मैंने सोचा क्या पता शानाज करेगी हमारी गरीब आवाम की खिदमत करने के लिए आएगी। मैंने खुद सोचा कि मैं आप क्या करूंगा, मैं उनके घर में जाऊंगा, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो दफा 370 है इसको वापस आप ही लाओगे। मगर एक बात है, जब बिदार में आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने बहुत कुछ क्या तकरीर कर दी थी, सुनी नहीं आपने। मैं बिदार में श्रीया में कल भी आया था, मैं इसी कंस्टिट्यूंसी का मेंबर भी, मेरा टोली में वोट है, तो मैं हर जगह गया, मैंने लोगों से पूछा कि हम आप पर कोई चीज ठोस नहीं रहे, आप हमें बताओ कि हमने वोट कहाँ पर डालना है, तो जो आपका सिलसिला होगा, जो आपकी बात होगी उस पर मैं आपके साथ हूँ। अभी मैं टोली से आ रहा हूँ, वहाँ छेला डाली अजमा सुड़ी वहाँ के सारे लोग थे, तो उन्होंने भी कहा वो भी जोड़ चाहते तोड़ नहीं चाहते, तो उन्होंने कहा जी ये जो मशीन आ गई ये पक्की है, ये जोड़ने वाली है। मैंने कहा अगर जोड़ने वाली है तो भी जोड़ने वाली के साथ ही। तो आप क्या संदेश देंगे आवामी मंडी? संदेश ये दूंगा कि इस जो है ना शिनाज गनाई, डॉक्टर शिनाज गनाई साहिबा को वोट दें, और इन ये जो तरक्की की जो इनके पास जो विजन है वो आपके किसी MLA अभी भी जहाँ के जो MLC उनके पास नहीं है। मैं ईमानदारी की बात कहता हूँ, ये हर जगह की बात जानते हैं, हर ऑफिस में काम कराने की बात जानते हैं, ये आपकी भलाई के लिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी बच्चियों के क्या प्रॉब्लम है, आपकी लेडीज़ के यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे जब ये जीत के आएंगी। उसके बाद जब हम दोबारा यहाँ पे मिलेंगे अगर अल्लाह ने चाह तो अच्छा प्रॉब्लम। तो सर ये आम सवाल आ चले हैं कि मैडम जो है BJP को ज्वाइन करना चाहें, इस सबके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किसी के दिल का कोई जानता है कौन क्या? जो आदमी ये प्रोपेगंडा करते हैं वो BJP के। मैडम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाली है, ये लोगों के हित के खिलाफ कभी कोई ऐसी बात नहीं करेगी। जो आपका मशवरा होगा उस पर चले गई, BJP का नाम ही नहीं। भाई मैं डिप्टी चेयरमैन बना, मुझे BJP वालों ने वोट दिया, क्या मैं BJP का हो गया? कभी भी नहीं सोच नहीं सकते, हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, हमारा सिस्टम नहीं मिलता उनके साथ, ऐसी कोई बात नहीं।